जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका MLS न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों, कई सारे बड़े जानकार ऐसा दावा करने लगे थे कि चाइना की सेना अब दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन गई है और अमेरिका के लिए चाइना की सेना को हरा पाना अब नामुमकिन सा हो गया है। और उसके तुरंत बाद ही दोस्तों भारत से LAC विवाद पर चाइना अड़ गया और वहां पर उसने LAC विवाद शुरू कर दिया और वहां पर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि एशिया में एक ही सैन्य ताकत है और वो है चाइना। इसके लिए चाइना ने वक्त बिल्कुल सही चुना, जब भारत में कोरोना वायरस अपने पूरे जोरों पर था और जब खुद चाइना ने कोरोना वायरस को अपने देश में कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद भी भारत ने चाइनीज सेना के आगे बिल्कुल भी हार नहीं मानी और पिछले 7 महीनों से लगातार बॉर्डर पर डटा हुआ है और चाइना के खिलाफ एक से एक लगातार सैन्य और आर्थिक फैसले लेकर भारत डटकर मुकाबला कर रहा है। और इससे दोस्तों सारी दुनिया हैरान आया और वहीं दुनिया भर के बड़े डिप्लोमेट्स आज भारत की कड़े आर्थिक फैसलों से हैरान है, क्योंकि उनको लगा था कि चाइना के आगे भारत ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही चाइना के सामने रुक पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और इस चीज से भारत का रुतबा पूरी तरह से विश्व के बिरादरी में और भी ऊंचा हो चुका है, क्योंकि भारत पिछले 7 महीनों से लगातार चाइना को बराबरी की टक्कर दे रहा है। लेकिन इसके बाद भारत के मित्र फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक संगठन और इस्लामिक देशों ने मोर्चा खोल दिया और जब फ्रांस अकेला पड़ गया तब भारत ही एक अकेला देश था जिसने खुले रूप से फ्रांस का हर तरह से समर्थन किया, ताकि वह टर्की, पाकिस्तान और उनके फैलाए आतंकवाद के आगे बिल्कुल भी अकेला ना पड़े। फ्रांस को भारत ने खुद ही आगे आकर समर्थन किया था, लेकिन अब टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस ने भारत के इसी रूप को देखते हुए भारत से सैन्य मदद की मांग की है। दरअसल दोस्तों, अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि भारत और ग्रीस के बीच दो दिन पहले वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें ग्रीस ने भारत से सैन्य आर्थिक संबंध विस्थापित करने की मांग रखी है। ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही 21 अक्टूबर को ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री ग्रीस में भारतीय एम्बेसडर से मिले थे। यहाँ पर आपको बता दें कि तुर्की पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कई सारे युद्ध अभ्यास करता आया है, लेकिन अब ग्रीस चाहता है कि भारत भी ग्रीस की सेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करे जो कि मेडिटेरियन सी में होगा। और अब सुनने में आ रहा है कि ग्रीस ने भारत के कश्मीर मुद्दे और UNSC में परमानेंट मेंबर बनने के लिए अपना समर्थन दिया है। ग्रीस दोस्तों अभी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कश्मीर मुद्दे पर भेड़ने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए ग्रीस टर्की और पाकिस्तान को भारत के साथ मिलकर सैन्य संबंध स्थापित करना चाहता है। वैसे जो भी हो, ग्रीस का भारत के साथ सैन्य मदद मांगना अब ये साफ दिखाता है कि भारत का रुतबा और भी ज्यादा पूरी विश्व बिरादरी में और भी ज्यादा ऊंचा उठ चुका है, क्योंकि ग्रीस पहले सैन्य मदद फ्रांस और अमेरिका से ही लेता था और अगर भारत अब सैन्य अभ्यास के लिए ग्रीस के साथ मान जाता है तो टर्की और पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस, ग्रीस और भारत का नया फ्रंट तैयार हो जाएगा। भारत फिलहाल पहले ही चाइना के साथ युद्ध में बड़े LAC विवाद में फंसा हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत को टर्की के खिलाफ जाकर ग्रीस की सैन्य मदद करनी चाहिए या फिर फिलहाल अपना रुख पूरी तरह से न्यूट्रल रखना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।